हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक स्टार ड्रीम गर्ल 666 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, ड्रीम गर्ल 666 एक ऐसा यूजर है जो छोटे यूजर या फिर बड़े यूजर के साथ ड्यूट वीडियो बनाते हैं। ड्रीम गर्ल 666 का 5 मिलियंस फैंस फॉलोवर थे, लेकिन आखिर उनके साथ क्या हुआ जो टिकटॉक पे उसका अकाउंट शो नहीं कर रहा है, उसका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हुआ है या खुद से डिलीट किया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 घंटी का आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि आपको लोगों को पता है, टिकटॉक पे ड्रीम गर्ल 666 का जो आईडी था, छोटे यूजर या फिर बड़े यूजर के साथ ड्यूट वीडियो बनाते थे। ये लड़की टिकटॉक में काफ़ी तेज़ी से फैंस फॉलोवर बढ़ाए हुए थे ड्यूट वीडियो के कारण, क्योंकि ये ड्यूट वीडियो जो भी बनाते थे फेस पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन थे, इसलिए उसके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज भी आते थे। लेकिन उनके साथ क्या हुआ जो टिकटॉक पे उसका अकाउंट अभी फिलहाल में जब चेक कीजिएगा तो शो नहीं कर रहा है, तो उसका अकाउंट खुद से डिलीट किया है या फिर टिकटॉक ने उसका अकाउंट को डिलीट कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी अपना टिकटॉक अकाउंट डिलीट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 से 5 मिलियन फैंस फॉलोवर थे। 4 से 5 मिलियन फैंस फॉलोवर करने में काफ़ी मेहनत लगता है, ये आप लोगों को पता होगा टिकटॉक यूजर है। तो आखिर हुआ क्या जो उसका टिकटॉक अकाउंट फिलहाल में शो नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी टिकटॉक यूजर है, आप लोगों को पता होना चाहिए इस बात को, क्योंकि जब भी आप टिकटॉक पे आपको फैंस फॉलोवर काफ़ी ज़्यादा है या तो आप लोग किसी के साथ ड्यूट वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान देना, जब भी वीडियो आप ड्यूट वीडियो बनाएंगे ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे देखने के मिलेगा आपके वीडियो पे ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके वीडियो पे यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाएंगे। और होता क्या है, आप किसी भी यूजर के साथ ज़्यादा ड्यूट करते हैं तो आपके वीडियो टिकटॉक अकाउंट सस्पेंड कर देता है या फिर डिलीट भी कर देता है। ऐसे बहुत सारे टिकटॉक यूजर के साथ हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उनका आईडी डिलीट कर दिया है फाइनली, क्योंकि बहुत सारे छोटे यूजर को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे और टिकटॉक नहीं चाहता कि छोटे यूजर को बड़े यूजर सपोर्ट करे, इसलिए उनके वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस आने के कारण उनका टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोग यदि टिकटॉक यूजर है तो अगर प्रत्येक दिन 4 से 5 वीडियो अगर ड्यूट ही बनाते हैं तो आपके वीडियो यहाँ पे डिलीट होने के चांसेस बढ़ जाता है। किसी भी छोटे यूजर या फिर बड़े यूजर के साथ ड्यूट वीडियो बनाते हैं, 1-2 वीडियो बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं बना सकते हैं, वो भी आपको बीच में गैप रखना है और अपना खुद का वॉइस से या फिर आप किसी के भी साउंड पे खुद का भी वीडियो बनाना है। सिर्फ ड्यूट वीडियो अगर बनाते हैं तो आपका टिकटॉक अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो लेकिन वो जैसे ही न्यू टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं, तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको टिकटॉक अकाउंट का लिंक दे दूंगा, जाकर वहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कोई भी टिकटॉक अकाउंट अभी नहीं बनाया है, क्या उस टिकटॉक अकाउंट जो भी सस्पेंड है या फिर डिलीट हुआ है क्या वापस आएगा या नहीं आएगा, जैसे इस अकाउंट के बारे में कुछ पता चलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से सेकेंड वीडियो बना दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर।